अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे। यार आज आपको हम दिखाएंगे अपनी पेप्सी फैक्ट्री। अच्छा है, पेप्सी खोला। दिल बोला पेप्सी कोला। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। क्या पका है जरा, हम किचन का पहले विजिट कर लें ताकि हम आकर हमें पता हो। अच्छा जी, पार्थे पक रहे हैं आज विद चावल एंड विद दही दुई है। चलो जी, दही धूप में रखी है, इसको क्या मतलब के सेक लगवा रही हो क्या है ये? खराब नहीं हो जाती धूप में दही? हाँ जी, कोई जवाब होगा या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मतलब है दही को धूप लगवा रही हो तो जवाब दो ना। मैं बोल रहा हूँ यार, पागल मैं पागल हूँ जो बोल रहा हूँ? Yes, of course. जी, कोई इज्जत ही कोई नहीं है यार। बंदा कोई इज्जत कर लेता बंदा पूरी दुनिया में इस वक्त तप गया। देखो दही तो तरीका है यार, देखो यार एक गलत तरीके से दही रखी हुई है, ऊपर से फिर बात का जवाब भी नहीं देना यार। बताओ यार, यार ऐसे भी नहीं यार, बंदे की इज्जत बिस्ती करनी चाहिए यार। अंदर भी दही पड़ा हुआ है। चलो गुड है यार, ये सीन अच्छा है और भाई का मन सच्चा है। कैसा लगा शेर? हाँ भाई, वो भाई तू लेट ही जाए अगर कोई कुर्सी ऐसी बना ले। की कर रहे हैं? चलो जाओ फिर बैठो यार, स्टूडियो स्टूडियो बैठो, जाके चिल मारो, हम जरा घूम फिर के आए। हेलो गाइस, निकलते हैं हम फिर जरा अपनी वारागर्दी में। तो यार मैं भी निकलने लगा था, लेकिन मुझे ना मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं उधर से होकर आया, क्योंकि वो फैक्ट्री एरिया है, तो ना कपड़े गंदे हो जाने हैं। तो मैं कपड़े अपने जो है ना वो उसमें डाल करना धो के, मतलब डाल के चला जाऊँ। सूखने में मेरे कपड़ों को इतना टाइम नहीं लगता, तो मैं कपड़े ज़रा अपने पकड़ लूँगा, पानी भर लिया जाए ज़रा, ताकि हम इसमें कपड़े धो लें। यार मेरे कपड़े किधर हैं वाइट? मैं ब्रह्म दा प्याला पी आया। जहन्नमी 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 जहन्नमी। पीना नहीं भजन, ब्लीच है ये। हाय हाय हाय, जिस दिन भाई वो व्लॉगिंग करते हुए फोन टप में गिराना, उस दिन पता क्या होगा? उस दिन व्लॉगिंग खत्म, बाय बाय टाटा। भाई हमेशा जेबें जरूर चेक कर लो भाई, अमीरों की जेबों में पैसे घुसे होते हैं और गरीबों की जेबों में कोई मच्छर कॉकरोच कुकरोच अंदर ना घुस जाता है। यारो हम रस्ते पे निकल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साजी। साजी लींबू पानी का की गिलास किन्ने दा? 30 रुपए दा, वड्डा छोटा? ते छोटा किन्ने दा? एक गिलास 30 रुपए दा। चलो मेहरबानी। आ गए जी, देखो हम ये उसी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है? याद आ गई ना ये बिल्डिंग, आटे वाली सनी फ्लोर मिल, ये वो बिल्डिंग है सनी फ्लोर मिल, इसी पे रोड पे मैंने आपको ट्रक दिखाया था। आज हम उससे आगे जाएंगे, आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। यार ये देखो सुजुकी का शोरूम है, इधर सर्विसेज भी दी जाती हैं, रिपेयर वपेयर भी कर देते हैं। यही गाड़ी है जो बाहर खड़ी है, शायद यही अंदर है, ये होंडा वालों का है, ठीक है? ये बेसिकली है सारा फैक्ट्री एरिया, ये हिको आइसक्रीम का फैक्ट्री आउटलेट है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस पे आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है? और ये जो आइसक्रीम है ना, ये दूध की है। वॉल्स बहुत मशहूर होगी, बड़ी फेमस होगी, शायद उधर पता हो वॉल्स वालों का, लेकिन वॉल्स आइसक्रीम जो है वो शायद किसी को पता ना हो कि वो दूध की नहीं है, वो आइसक्रीम, वो बेसिकली आइसक्रीम नहीं है। वॉल्स पे आपको आइसक्रीम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मुझे बताना वॉल्स पे अगर आइसक्रीम लिखा हुआ किसी को नजर आए। लेकिन हीको डेयरी आइसक्रीम है, दूध वाली आइसक्रीम है बेसिकली, ओके? लो गाइस ये आरसी फैक्ट्री है। ओए हो, ऊपर से कुछ निकल भी रहा है, ये आरसी फैक्ट्री है भैया, पिक्चर तो बनती है इधर यार। लो गाइस ये है पेप्सी फैक्ट्री, ये सारी पेप्सी फैक्ट्री है, वो देखो वो स्टार्ट होती है, और ये पीछे मैं अभी अंदर लेके जाता हूँ, ये जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं ना, पहले ये सारे इन्होंने लगाया हुआ था पेप्सी का, लेकिन अब पता नहीं इन्होंने टाइल्स लगा दी हैं, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन बड़ा प्यारा लगता था पहले।
देखते हैं पीछे चल के क्या सिचुएशन है। लो भाइयों ट्रक ट्रुक नजर आना शुरू हो गए होंगे आपको, ये सारा सिनेरियो है भाई। ठीक है लोग खड़े हैं, ऑफिशियल्स खड़े हैं, ये पूरी फैक्ट्री की दीवार है सारी, ये अंत तक जा रही है। ठीक है ना, ये आपको ट्रक नजर आ गए होंगे अब। ट्रक्स निकल रहे हैं इस वक्त, सारी मजे की चीज नहीं अपनी कर रहे तो भाई। हाँ जी जी, वीडियो बना रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, सियासी चैनल नहीं, डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अपनी बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें अच्छाई बता रहा हूँ, कोई इसकी बुराई नहीं कर रहा, समझ रहे हैं ये चीज़। ये अंदर से दिखा सकते हैं, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। तो गाइस ये फैक्ट्री के एंड पर फाइनली हम आ गए हैं, अरे आप देख रहे हो गए ओवरऑल पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है, शोर इधर बहुत होता है, ट्रक बहुत होते हैं इस वजह से, सही है ना। तो होप आपको नज़र आ रहा होगा सारा, मैंने एंगल वाइड लगाया हुआ है, ट्रक्स काफ़ी लगाए हुए हैं। तो ये एरिया हमारा सारा फैक्ट्री एरिया है, सीन ऑन है यार वाइड एंगल। एक्चुअली ना इसको लो लाइट में यूज़ करो बड़ा गलत, इसका ख़राब रिजल्ट होता है। अभी लाइट बहुत तेज़ है इसलिए लगाया हुआ है, बैलेंस कर देता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो ज़्यादा वाइड एंगल जो बहुत अल्ट्रा वाइड जो है ना, ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, पीछे सारी ये गाड़ियों की दुकानें हैं, वो आगे तक आपसी फैक्ट्री। ये नजफ हाई स्कूल है, हाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ पे घूम रहे हो, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे सैर कर रहे हैं। ये हम बना रहा हूँ मैं पूरी अपनी जिंदगी की ना वीडियो बना रहा हूँ, सारे बोल दो सब्सक्राइब।